मणिपुर की झांकी आ रही है, वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही लोकप्रिय मदर्स मार्केट है, जिसे जहां पर हर एक जो दुकान है वो एक महिला ही संचालित करती है, वहां का जो समाज है वो भी उसकी परछाई आपको वहां पर दिख जाएगी। तो ये मदर्स मार्केट को दर्शाते हुए मणिपुर की ये झांकी अभी मणिपुर को लेकर पूरे देश के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वहां पर ऐसी ही समृद्धि आई, ऐसी ही शांति आई आए, जैसा कि आप इन सब को नृत्य करते हुए इस समय देख रहे हैं। ये सबकी इच्छा है, ये सबकी प्रार्थना है, लेकिन अभी मणिपुर की ये सुंदर तस्वीर देखिए और गीत सुनिए। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का, और आइए अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की झांकी जो बहुत बड़ा संदेश दे रही है आत्मनिर्भर नारी का। किस तरह से मध्य प्रदेश की झांकी देखिए तो आपको एक फाइटर पायलट भी नजर आएगी और एक फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी के साथ साथ आपको वो महिलाएं भी नजर आएंगी जो अलग अलग कला के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही है। सुनिए From the tableau of Madhya Pradesh, और अब उसके ठीक पीछे उड़ीसा का की झांकी आप देख रहे हैं। उड़ीसा की झांकी में भी महिला सशक्तिकरण का ही संदेश आपको नजर आएगा। जो कोणार्क का मंदिर का युद्ध अश्व है वो इस झांकी का हिस्सा है, और साथ ही एक गांव की भी तस्वीर आपको दिख रही है, वो झोपड़ी आपको दिख रही है जहाँ पर महिलाएं जो है अपने हाथों से जो हस्तकला का नमूना पेश करती है वो उनके सशक्तिकरण उनके स्वावलंबन का एक दृश्य प्रस्तुत करता है। सुनिए Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh. और उड़ीसा के बाद चलिए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। जब ये संदेश दिया जाता है कि भारत प्रजातंत्र की जननी है तो इसमें आप पुरानी परंपरा देखिए, 600 वर्ष पुरानी एक परंपरा जहां जनजातीय समाज में सभी मिलकर सामने आते हैं और किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। आप बस्तर की ये झांकी देखिए, बस्तर दशहरा। छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान की बारी है, और राजस्थान के जो प्रतीक जितने भी आपको समझ आते हैं वो सब आपको इस झांकी में नजर आएंगे, साथ साथ में घूमर नृत्य करके, और सामने भी जो आप देख रहे हैं वो घूमर नृत्य को ही प्रदर्शित करते हुए झांकी का अग्रिम हिस्सा। उसके पीछे आप ऊंटों को देख सकते हैं, ऊंटों का बड़ा योगदान रहता है राजस्थान के लोगों के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए ऊंट उत्सव भी एक मनाया जाता है। तो ये जो पूरा चित्रण किया गया है राजस्थान की इस झांकी का, देखिए कठपुतलियों को भी आप देख सकते हैं, इसमें मीराबाई की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, एक सुसज्जित ऊंट पर एक सवार एक महिला भी आपको वहां पर दिख रही है। तो राजस्थान की ये झांकी और साथ में राजस्थान का लोक संगीत।
राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र और ठीक इसके पीछे राजस्थान के पीछे बात छत्रपति शिवाजी महाराज की बात महाराष्ट्र की। इस झांकी को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि जब आप बोलते हैं बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय तो उसके पीछे की सोच क्या है, वो सोच एक केवल हिंदू स्वराज की स्थापना की सोच नहीं है। आप देखिए नितिन गडकरी खड़े होकर स्वागत कर रहे थे इस झांकी का, माँ जीजाबाई ने किस तरह प्रेरित किया शिवाजी को देखिए झांकी में। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. यहाँ पर शिक्षा की अहमियत को बताया गया है, शिक्षा को किस तरीके से पूरे राज्य में हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, कैसे राज्य उसकी तैयारी करता है, कैसे उसे सुनिश्चित करता है, वो इस झांकी के जरिए दर्शाया गया है। The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. अगर पूरे देश में कोई एक ऐसी जगह है जहां पर जो झील है, जो तालाब है, वो पूरी तरीके से जमकर आइस हॉकी खेलने लायक हो जाते हैं, तो लद्दाख के कोने कोने में आपको ऐसी झील, ऐसी नदियां मिल जाएंगी। और इसीलिए वहां की जो लड़कियां हैं खास करके बहुत महारत वो हासिल करती हैं, लड़के भी महारत हासिल करते हैं और वहां से निकलते हैं। देखिए वहां की परंपरा अभी तक क्या होता था, जम्मू कश्मीर के साथ संस्कृति जुड़ जाती थी, जबकि बहुत वृहद संस्कृति है, इसीलिए यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बेहद खुशी लोगों में वहां पर रहती है। हालांकि अभी भी कुछ और विकास के लिए भी उनकी तरफ से कहा जाता है। अब उनका वो याक भी आप देखिए इस पर, जो उनकी पारंपरिक वेशभूषा है उसमें तमाम लोगों को इस झांकी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए चेहरों पर मुस्कान और लद्दाख की ये शान। और अब सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। जो तस्वीर आप सलामी मंच के सामने देख रहे हैं वो है झांकी तमिलनाडु की। भारत प्रजातंत्र की जननी है, ये केवल शब्द नहीं है। इस झांकी में आप देखेंगे किस तरह से चोल वंश के काल से ही किस तरह से एक बर्तन में आप अपनी मत, अपने विचार को रख देते थे और सभी के मत को जानने के बाद एक निर्णय किया जाता था, उसको इस झांकी में दर्शाया गया है। देखिए और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इतनी उत्सुकता क्योंकि ये गुजरात की झांकी है, गुजरात में धोरडों की झांकी है जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर भी सम्मानित किया गया। और केवल ये भारत की बात नहीं है बल्कि दुनिया के हिसाब से इसकी बात है। कच्छ जिले में ये पड़ता है। प्रधानमंत्री देखिए साथ में इमानुएल मैक्रों को ये बात समझा भी रहे हैं, अगर कोई एक ऐसा हिस्सा रहा जहां पर प्रधानमंत्री ने स्वयं इंटरेस्ट लेकर
ये निर्धारित किया, ये तय किया कि कैसे उसका विकास होगा। वरना वहां के गांव वाले कहते हैं कि हम तो गांव छोड़ छोड़ कर जा रहे थे कि इतना ज्यादा नमक फैलता जा रहा था, पर प्रधानमंत्री ने कहा नमक को मिठो कहते हैं वहां पर। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी मिठो के लिए लोग यहां पर कभी आएंगे। आज वो रण का जो पूरा क्षेत्र है वहां की महिलाएं ऐसे ही उत्सव मना रही। और भारत का आप ये देखिए, एक छोर से हम आपको दूसरे छोर लिए चलते हैं, यानी पश्चिम में गुजरात से हम आपको पूर्व में ले चलते हैं, आपको हम मेघालय ले चलते हैं। और मेघालय में जब वसंत ऋतु आती है तो चेरी ब्लॉसम, उसको देखने के लिए आपको जापान जाने की आवश्यकता नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिपलाइन, नृत्य, युवा वर्ग क्या कर रहा है इस झांकी में देखिए। Diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. और सचमुच जैसी सुंदर झांकी आप देख रहे हैं वैसा ही सुंदर पूरा का पूरा मेघालय नजर आता है। और सही कहा गौरव ने कि क्यों जाएं जापान, आप वहीं पर देखिए, मेघालय में देखिए चेरी ब्लॉसम। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है, उससे सब आते हैं। अब देखिए झारखंड की ये तस्वीर देखिए, तसर सिल्क आपने सुना होगा, वन रेशम भी कहते हैं इसे। पर ये जिस टसर को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं ना, जैसे वो महिला दिखा रही है कि कैसे वो टसर सिल्क बन रहा है, इसे अब अहिंसा सिल्क का नाम दिया गया है। क्योंकि पहले जब टसर बनाया जाता था तो जिस हीट को आप ऊपर देख रहे हैं सिल्क के साथ, उस पूरे रेशम के साथ, उसे मरना पड़ता था उस सिल्क के निर्माण के लिए। पर अब एक ऐसे सिल्क को विकसित किया गया है जिस सिल्क को बिना जीव को मारे, बिना कीट को मारे बनाया जा सकता है ये रेशम। The tableau showcases the resilience of tribal women in production of tussar silk. 62% जो टसर है भारत का वो झारखंड में बनता है। लगभग 1.5 लाख लोग टसर रेशम से अपनी आजीविका झारखंड में कमाते हैं। और ठीक उसके पीछे जो आप झांकी देख रहे हैं वो राजा राम अयोध्या आए, राम लला अयोध्या आए, ये दर्शाता है 500 वर्षों बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, ये झांकी दिखाती है। लेकिन जहां आप भारत की सांस्कृतिक विरासत देख रहे हैं, वहीं आप अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है उसी उत्तर प्रदेश में, ये झांकी में दर्शाया गया है। साथ ही साथ 2025 में माघ में जो कुंभ का मेला होगा प्रयागराज में, देखिए झांकी। विकास के नए रास्ते खोले छठी धुंध उत्तर प्रदेश की, नई रोशनी छाई, नई रोशनी छाई। साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास, जिसमें जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो देखिए बाकी चीजें तो है ही, बाकी विकास के कोण तो है ही, लेकिन उसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर भी चुकी है, इसीलिए आप हथियार की को भी प्रदर्शित यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में हमने वंदे भारत देखा, अयोध्या धाम जंक्शन पर किस तरीके से वहां पर जो लाइन है उसे ब्रॉड किया जा रहा है, वहां पर ट्रेनों की संख्या कैसे बढ़ेगी।